हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप? माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी पीजीटी फिजिक्स, और हमारे चैनल पर यूपी पीजीटी फिजिक्स का 2021, 2016, 2013 और 2011 के सेट सॉल्वड अपलोडेड हैं, ठीक है। टीजीटी साइंस के भी हमने कुछ वीडियो डाले हैं। आज हम जो है यूपी पीजीटी फिजिक्स 2010 का क्वेश्चन 1 to 30 सॉल्व करेंगे, ठीक है। इन द इक्वेशन वाई डॉट ए इज इक्वल टू एक्स डॉट बी, वेयर वाई इज द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड बी इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी, द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ एक्स विल बी। तो देखो स्टूडेंट, यंग मॉडुलस का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है एम एल की पावर -1 टी टू द पावर -2, और इसके साथ ए एरिया दिया है, एरिया का होता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू, दूसरी साइड में एक्स केवल है जिसका हमें निकालना है, अब बी हमारा डायमेंशन लेस है तो बी की कोई डायमेंशन होगी नहीं। अगर हम इधर से देखें तो ये हो गया स्टूडेंट एम एल टी की पावर -2 हो गया, और ये डायमेंशन ऑफ एक्स हो गई, ठीक है। तो हमारा 4 ऑप्शन करेक्ट है, डायमेंशन ऑफ एक्स एम एल टी की पावर -2, ठीक है। इन द गिवन सर्किट फॉर द बैलेंस टू बी अराउंड सी विद इन ±5 cm, द वोल्टेज ऑफ ई मस्ट बी बिटवीन। तो देखो स्टूडेंट, जो हमारा ये सेल है, बैटरी जिसको हम कह सकते हैं, 2 वोल्ट है, और हमारा ए बी वायर दिया हुआ है 100 cm, ठीक है, और बी सी यहाँ से लेकर इधर 35 है, बी सी हमारा इधर 35 है, तो इधर हो जाएगा 65, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। आप देखो स्टूडेंट, इसका जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा पी जी हमारा होगा, पी जी इज इक्वल टू, यहाँ 2 वोल्ट सप्लाई हुई है और टोटल 100 इसमें सेंटीमीटर है, तो इतना 2/100 वोल्ट पर सेंटीमीटर हुआ, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट हुआ। आप देखो स्टूडेंट, सी डैश हमारा जो आएगा वो यहाँ तक 65 है, 5+ कर दो तो 70 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो सी डैश के लिए वोल्टेज आएगा, सी डैश के लिए इसको हम लोग V1 लिख सकते हैं, ये आ जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट 2/100 इंटू लेंथ, और लेंथ हमारा आ जाएगा 70, और ये आ जाएगा 1.4 वोल्ट, ठीक है। और दूसरा सी डबल डैश के लिए अगर हम देखें, इधर वाले के लिए, यहाँ जो है सी डबल डैश है, ठीक, इसके लिए अगर हम देखें तो हमारा V2 आ जाएगा, ठीक, 2/100 वोल्ट इंटू 65 में 5 माइनस हो जाएगा 60 इज इक्वल टू आ जाएगा 1.2 वोल्ट। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, रीडिंग हमारे सेल ई का जो वोल्टेज होना चाहिए वो 1.2 वोल्ट से 1.4 वोल्ट तक होना चाहिए, ओके। रिडबर्ग कांस्टेंट इज इक्वल टू, देखो स्टूडेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट का फार्मूला होता है आर इज इक्वल टू एम ई टू द पावर 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब सी। तो सेकेंड ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ओके। एन इलेक्ट्रॉन विद चार्ज ई एंड मास एम, ठीक, यहाँ चार्जर लिखा है, ये आप चार्ज पढ़िए इसको। आयन इलेक्ट्रॉन विद चार्ज ई एंड मास एम इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 3 वोल्ट। द फाइनल काइनेटिक एनर्जी के का फार्मूला होता है इलेक्ट्रॉन के लिए ई वी,
और वी हमारा दिया है 3 वोल्ट, तो ई इंटू 3 हो गया, ई इंटू 3 यानी 3E आ गया, ठीक 3E, और यूनिट जूल आएगा, वोल्ट है तो यूनिट जूल में आएगा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इन द गिवन सर्किट करेंट आई एंड द अप्लाइड वोल्टेज वी द फेज रिलेशन, वी इज इक्वल टू वी नाट साइन ओमेगा टी, ओमेगा दिया 50। अब इसमें ये पता करना है कौन किससे कितना आगे है, ठीक है, तो हम लोग लगाएंगे इसमें टेन थीटा, ठीक, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है ओमेगा एल अपॉन आर, ओमेगा हमारा 50 दिया है, ठीक, और आर हमारा दिया है, ये दिया 40 एल, एल हमारा 40 एम एल, तो 40 × 10⁻³ अपान आर की वैल्यू आ रही 2, तो दोनों सॉल्व करने पर 2/2 यानी 1 आ गया, ठीक, 1 मतलब हो गया tan 45 डिग्री यानी पाई थीटा की वैल्यू आ गई π/4, थीटा इज इक्वल टू π/4। अब हमें देखना कौन लैगिंग है, तो वोल्टेज जो है, वोल्टेज इसमें इंडक्टर में फॉरवर्ड होता है, ठीक, लीडिंग में होता है, करंट लैगिंग में होती है, तो करंट आई लैग्स वी बाई π/4, तो पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर एट 2 revolutions per second, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज पार्टिकल इन मीटर पर सेकेंड विल बी, तो देखो स्टूडेंट सर्कुलर में जो एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है ए इज इक्वल टू, ठीक, ओमेगा स्क्वायर आर होता है, ओमेगा की वैल्यू होती है 2πn² r, ठीक है, पाई सब वैल्यू रख दो स्टूडेंट, 2π और n हमारा दिया है 2 दिया है तो 2, ठीक, अब ये हमारा कट करके आ गया 4π² आ गया, ठीक है, यानी हमारा ये पहला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक। द हीट गिवन टू एन आइडियल गैस इन आइसोथर्मल कंडीशन इज यूज टू इन राइजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, आइसोथर्मल है, पहला तो गलत ही है, इन डूइंग द एक्सटर्नल वर्क, हाँ ये ठीक है, पी डेल्टा वी के रूप में यूज होता है, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। देयर इज नो एटमॉस्फियर ऑन द मून बिकॉज इट इज क्लोजर टू अर्थ, इससे कोई मतलब नहीं, इट इज रिवॉल्व अराउंड अर्थ, इट गेट लाइट फ्रॉम द सन, इससे इन सबसे एटमॉस्फियर से मतलब नहीं है, इस्केप वेलोसिटी जो होनी चाहिए पार्टिकल का जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी उससे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, और कम है मून पर, 4 ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। If the temperature of the sun is double, the rate of energy released on the earth will be increased by the factor. देखो स्टूडेंट डबल कर दे रहे हैं तो जो हमारा फार्मूला होता है ई प्रोपोर्शनल टू टी पावर 4 होता है, ठीक, आप ये कह रहे हैं कि टेम्परेचर का को 2 times कर दिया जाए तो E2/E1, ठीक, इज इक्वल टू T2/T1⁴ हो गया, T2/T1 की वैल्यू इन्होंने रख दी, डबल कर दिया तो 2 × 10⁴ यानी 16 हो गया, ठीक है,
फोर ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ओके, एक गैस है 27 डिग्री टेम्परेचर एंड 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अलाउड टू एक्सपेंड टू द 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इफ़ द वॉल्यूम बिकम्स 10 टाइम्स इट्स इनिशियल वॉल्यूम देन द फाइनल टेम्परेचर बिकम्स। तो आप इसमें स्टूडेंट फार्मूला लगाइए, आप P1V1/T1=P2V2/T2। ठीक है, इससे T2 का जो फार्मूला बन जाएगा स्टूडेंट, T2 हमें निकालना है P1V1। ठीक, वैल्यू रख दो स्टूडेंट, T2 निकल आएगा। वैल्यू रखें T2=, अब ऊपर P2 हमारा कितना दे रहा, 1 एटमॉस्फेयर दे रहा, 1। ठीक, और V2 कितना दे रहा, कह रहा कि वॉल्यूम बिकम्स 10 टाइम्स 10 हो गया, और प्रेशर हमारा कितना दे रहा है, प्रेशर तो 1 हो गया ऊपर और वॉल्यूम हो गया 10, तो 10 टाइम लिख दिया, नीचे का 1 लिख देंगे, और टेम्परेचर हमारा T1 इसमें 273 है, 273 में 27 ऐड कर दो, 300 हो गया, 300 अपान प्रेशर हमारा 3 एटमॉस्फेयर 30। ठीक, = रिजल्ट आ गया हमारा, ये 0 कैंसिल हो गया, 100 आ गया, T2 100K आ गया। ठीक, इसको स्मॉल टी के रूप में अगर लेना तो small t = 100 और -273 तो = 4 ऑप्शन आ जाएगा, माइनस का 173 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, द रेशियो ऑफ द कोफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल इज 5:3। इफ थर्मल रेजिस्टेंसेस ऑफ द रॉड ऑफ सेम थिकनेस ऑफ मटेरियल इज सेम, थिकनेस भी सेम है, रेजिस्टेंस भी सेम है, तो रेजिस्टेंस आर का जो फार्मूला होता है स्टूडेंट, R = L/KA होता है। ठीक, तो इससे हमारा फार्मूला बना L1/K1 ठीक = L2/K2 बन गया हमारा। ठीक, द लेंथ का रेशियो पूछ रहा है, तो L1:L2 का वही आ रहा, सेम ही आ रहा है इससे, तो यानी L1/L2=K1/K2 आ रहा। ठीक, और इसमें कह रहा कि K1/K2 का रेशियो 5:3 दे रखा है, ठीक है ना, तो वही L1 का भी आ रहा, यानी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 2 point charges फर्स्ट इन एयर एंड देन इन ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के आर केप्ट एट द सेम डिस्टेंस, द रेशियो ऑफ फोर्सेस बिटवीन पॉइंट चार्जेज इन द बॉथ स्टेट, फर्स्ट इन एयर में रखा है, सेकेंड मीडियम में रखा है, तो हमारा जो F1 हुआ, ठीक, एफ एयर हुआ, ये हुआ 1/4πε0, ठीक, Q1/Q2/R² हुआ एयर के लिए, और दूसरा एफ मीडियम हुआ M = 1/4πε0K, ठीक, Q1/Q2/R² हुआ। देखो स्टूडेंट, दोनों को डिवाइड कर दो तो हमारा आ रहा है एफ़,
अपान एफ एम ठीक इज इक्वल टू के अपान वन आ रहा है। ठीक है, ये हमारा सेकेंड ऑप्शन इसमें दिख रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा जो ऑप्शन सही है वो सेकेंड है। ओके एसआई यूनिट ऑफ फ्री स्पेस परमिटिविटी यानी एप्सिलॉन नॉट इज, तो उसी से निकाल लो स्टूडेंट, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर थर्ड, थर्ड ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, इफ ए कॉपर वायर इज स्ट्रेस्ड मेक इट 0.1% लॉन्गर द परसेंटेज इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस विल बी। तो देखो स्टूडेंट, स्ट्रेच का जो फार्मूला होता है वो हमारा होता है, ध्यान से देखिएगा, आर डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर होता है, यानी अगर रेजिस्टेंस को एन टाइम्स इंक्रीज कर दें तो अगर हम वायर को एन टाइम इंक्रीज कर दें लेंथ, तो रेजिस्टेंस एन स्क्वायर टाइम होता है। अगर हम इसको परसेंटेज के फॉर्म में लिखें स्टूडेंट, ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा डेल्टा आर डैश अपान आर इंटू 100। ठीक, आर हमारा कांस्टेंट है, एन स्क्वायर में 2 डेल्टा एन अपान एन इंटू 100 आ जाएगा। ठीक, यानी 2 हुआ, 0.1% इंक्रीज हो रहा है, तो मल्टीप्लाई होकर के 0.2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.2%। ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन पहला करेक्ट दिख रहा है। ठीक है, ये पहला ऑप्शन सही है। ओके, ए रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट गैप ऑफ मीटर ब्रिज एंड ए रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम ऑन द अदर गैप, द पोजीशन ऑफ बैलेंसिंग पॉइंट विल बी। तो देखो स्टूडेंट, एक है 5 और एक है 15, तो ये हमारा हो जाएगा 5 अपान एक्स इज इक्वल टू 15 अपान 100 माइनस एक्स। ठीक, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो स्टूडेंट, तो हमारा आ जाएगा 15x इज इक्वल टू 500 और माइनस 5x। ठीक, 5x इधर कर दो, 20x इज इक्वल टू आ गया हमारा 500। ठीक, x से डिवाइड कर लो, x की वैल्यू आ गई तो 25 सेंटीमीटर। ठीक, एक्स की वैल्यू आ रही है 25 सेंटीमीटर, यानी सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ओके, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर मीजर कैपेसिटेंस करंट, ये तो करंट मीजर करता है स्टूडेंट, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इन ए रूम वेयर टेम्परेचर इज 30 degrees ए बॉडी कूल फ्राम 61 to 59 इन 4 minutes, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कूलिंग अ सेम बॉडी एज 51 degrees to 49 degrees विल बी। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो स्टूडेंट, हमारा जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वाला फार्मूला लगाएंगे हम लोग, तो होता है टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी अपॉन टाइम डिफरेंस डेल्टा स्मॉल टी इज इक्वल टू के होता है, ये होता है टी एवरेज और माइनस टी नॉट टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है,
पहली कंडीशन पुट करो स्टूडेंट टू पर, डेल्टा टी हमारा दे रखा है पहला, ये 61 से 59 आ रहा है यानी 2 दे रखा है ऊपर, तो ऊपर हो गया 2, नीचे हो गया डेल्टा टी 4, 2/4 इज इक्वल टू हो गया के, ठीक। टी एवरेज हो गया, इन्हीं दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लो तो 61 और 59 का एवरेज 60 हो जाएगा। ये हो गया 60 माइनस टी नाट हमारा दे रहा 30, 60 माइनस 30, ठीक। अब ये 2 कैंसिल हो गया, 1/2 हो गया, और इधर हो गया के और 60 में से गया 30, तो 1/2 और नीचे आ गया 30 इज इक्वल टू आ गया के, यानी के की वैल्यू आ गई 1/60, के की वैल्यू आ गई 1/60, ठीक है। यही फार्मूला हम अब दूसरी कंडीशन के लिए अप्लाई कर देंगे। तो दूसरे कंडीशन में हमारा देखो डेल्टा टी दिया 51 और 49 का डिफरेंस हो गया 2/, टाइम हमें निकालना है, डेल्टा टी हमें पता करना है, डेल्टा टी डैश सेकेंड कंडीशन के लिए इज इक्वल टू के हमारा आ गया 1/60, ठीक। और टी एवरेज यहाँ से हमारा 51 और 49 का एवरेज आ गया 50 और माइनस आ गया 30 रूम टेम्परेचर, ठीक। 50 माइनस 30 20 हो गया, तो ये आ गया 2/ डेल्टा टी इज इक्वल टू, इधर देखो ये हो गया 20/60, 0 0 कैंसिल हो गया, 2 1 2 3 हो गया, डेल्टा टी इज इक्वल टू 6 आ गया, 6 मिनट, ठीक है। कितना आ गया 6 मिनट्स, ठीक है। अब इसमें सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ये भी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पर लगा है क्वेश्चन, ठीक। इफ द एटम 100 FM 257 फॉलोज द बोर्स मॉडल, द रेडियस ऑफ 100 FM 257 इज n टाइम्स ऑफ बोर्स रेडियस, देन n इज। देखो स्टूडेंट, जो जनरल फार्मूला है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का वो है 2n², ठीक है। n की वैल्यू 1 2 3 अगर हम रख दें स्टूडेंट, तो पहले में आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 8, फिर आ जाएगा 18, फिर आ जाएगा 32 और इसी ऑर्डर से आ जाएगा 50, ठीक है। यानी 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है। अब अगर 5 यहाँ आ रहा लास्ट आउटर इलेक्ट्रॉन, हम इसको लास्ट में मान सकते हैं 5 में, ठीक है। बोहर्स लॉ अगर हम अप्लाई कर दें स्टूडेंट इसमें, तो बोहर्स लॉ का फार्मूला होगा जो आर एम रेडियस के लिए इज इक्वल टू आर नाट एम स्क्वायर अपॉन जेड होगा, ठीक। एम हमारा आ रहा है 5, आर नाट जो है आर एम हमारा दिया है आर नाट इंटू एन इज इक्वल टू आर नाट हो गया, एम हमारा आ रहा है 5 5^2/z है हमारा 100, ठीक है। एन की वैल्यू 1/4 आ रही, यानी 4 ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ठीक है। 4 ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। टू सेंड 10% ऑफ मेन करेंट थ्रू ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 99 ओम, द शंट रिक्वायर्ड, ये हमारा गैल्वेनोमीटर हो गया जी, ठीक। यहाँ ऐसे हमारा शंट हो गया, ठीक। इसमें इधर हो जाएगा करंट हमारा 10% कह रहा है, तो 1/10 इधर ले लेते हैं हम, ठीक।
इधर आ जाएगा 9/10। ओके, ये हमारा 9/10, इधर हमारा संट निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है स्टूडेंट, तो यस इंटू 9/8, 9/10 इज इक्वल टू जी अपॉन 10, 10 से 10 कट गया, यस की वैल्यू आ गई, जी का दिया है 99 और ये 9 इधर से आ गया, यानी 11 ओम आ रहा है। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, 11 ओम आ रहा है इसमें। ठीक है, 1 बॉल इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट, इस डायरेक्शन का ईस्ट हमारा हो गया। ठीक, आफ्टर 10 आवर इट्स वेलोसिटी चेंज टू 5 किलोमीटर, तो वेलोसिटी इधर हो गई, इधर अब नॉर्थ हो गया, तो जो चेंज इन वेलोसिटी होती वो ट्रायंगुलेशन मेथड से इसका रिजल्टेंट होगी, तो ए जाएगा नॉर्थ ईस्ट, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ ईस्ट जाएगा। ठीक, अच्छा नॉर्थ ईस्ट तो सब में दे रखा है ऑप्शन स्टूडेंट, 2 में दे रखा है पहला और दूसरा, तो इन्हीं में आंसर है। आप देखो अगर हम पाइथागोरस से वेलोसिटी निकालें स्टूडेंट, तो चेंज इन वेलोसिटी आएगा वी डेल्टा वी इज इक्वल टू अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों ही परपेंडिकुलर हैं, इसको सॉल्व करेंगे 5√2 आ जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन हमारा हो जाएगा ए इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और डेल्टा वी हमारा हो गया 5√2 अपॉन हो गया 10, और इसको डिवाइड कर लो स्टूडेंट 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, 1/√2 आप खुद सॉल्व करो, और ये हमारा सेकेंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो रहा है। ठीक है, टू मैग्नेट हैविंग मैग्नेटिक मोमेंट 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर एंड 15 एम्पियर मीटर स्क्वायर रेस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड इन एंड ऑन पोजिशन एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर बिटवीन देयर सेंटर्स, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम विल बी, तो देखो स्टूडेंट फोर्स का फार्मूला होता है टू मैग्नेटिक डायपोल का म्यू नॉट अपॉन 4π6 m1 m2 अपॉन r⁴। आप देखो स्टूडेंट म्यू नॉट अपॉन 4π वैल्यू होती है 10⁻⁷। ठीक, 6 m1 हमारा दिया है 10, m2 दिया है 15, r हमारा दिया 0.1 मीटर, तो इसको पावर में कर दें 10⁻¹ और r⁴ है तो 10⁻⁴ हो गया, इज इक्वल टू सॉल्व करने पर 0.9 न्यूटन आ रहा है। 4 ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ठीक है, 4 ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, इफ़ ए नगलिजिबल स्मॉल करेंट इज पास थ्रू ए वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम हैविंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया देन कोफिशियंट ऑफ रजिस्टिविटी ऑफ द मटीरियल, तो रो की वैल्यू निकालनी है, रो का फार्मूला होता है रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल होता है, वैल्यू रख दो स्टूडेंट, आर दिया 5, ए दे रखा है हमारा 6 × 10⁻⁷ अपॉन एल हमारा दे रखा है 15 मीटर। ठीक, तो ऊपर हो गया 30 15 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 2 × 10⁻⁷ ओम इंटू मीटर, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ए हीटिंग कॉयल इज लेवल्ड 100 वाट एंड 220 वोल्ट,
तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा हीटिंग कॉइल का स्टूडेंट, R इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान पी होता है। तो 220 का स्क्वायर, 220 का स्क्वायर अपान पी है 100, इसको डिवाइड कर देंगे तो 484 ओम आ जाएगा, ठीक है। अब इसी को दो पार्ट में वो डिवाइड कर दे रहा, द कॉइल इज कट इन हाफ, तो दो पार्ट में जब डिवाइड कर दे रहा तो आर वन इसका आधा हो गया 242 ओम, आर टू जो हो गया ये हो गया हमारा, ये भी 242 ओम हो गया। आर पैरेलल लिखेंगे, आर पैरेलल में जो रेजिस्टेंस आ जाएगा आर पी इज इक्वल टू, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और नीचे ऐड करके डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा 242 इंटू 242 अपान 242 प्लस 242, सॉल्व करने पर आ जाएगा 121 ओम आ जाएगा, ठीक है। आप देखो जो नई पावर आएगी स्टूडेंट पी डैश, ठीक है, पी डैश इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर पी हो जाएगी, जो हमारा रेजिस्टेंस आया पी आ जाएगा, ठीक। अब इसकी वैल्यू रख दो स्टूडेंट, वी स्क्वायर हो गया तो वी हमारा 220 है, तो 220 इंटू 220 अपान आर पी हमारा दिया हुआ है 121 आया है, तो 121 इसको डिवाइड करने पर 400 आ गया, इतना वाट आ गया, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट 1 सेकेंड में जो एनर्जी लिबरेटेड होगी पर सेकेंड पूछा है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो इतना जूल आ जाएगा, यानी 400 जूल हो जाएगा, ओके। थर्मल कैपेसिटी आप 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम एस इज इक्वल टू 0.2 कैलोरी पर ग्राम के केल्विन इज। देखो स्टूडेंट जो हमारी हीट कैपेसिटी होती है वो ms होती है, ठीक है, और m हमारा दिया 40 ग्राम, तो ये हो गया 40/1000, ठीक, इंटू s हमारा दे रखा 0.2 कैलोरी, तो कैलोरी के जूल में कन्वर्ट करने के लिए 4.2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इंटू अब नीचे देखो ग्राम लिखा है तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 1000 हो जाएगा, ठीक। ये 1000 इससे कैंसिल हो गया, इन सब का मल्टीप्लाई आ गया 33.6, ठीक, जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन हो गया 4 करेक्ट है, ओके। ए लिफ्ट वेइंग मशीन 1000 केजी मूविंग अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन 1 m/s² द टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल इज, तो इसका फार्मूला होता है टेंशन का स्टूडेंट, टी इज इक्वल टू एम जी प्लस ए, टी इज इक्वल टू जी एम जी प्लस ए, वैल्यू रख दो स्टूडेंट, एम दिया 1000 और जी हमारा 9.8 और प्लस ए हमारा 1 दिया है, मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा 10800 न्यूटन, ठीक, यानी सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। फॉर ए पॉइंट एट सम हाइट फॉर अर्थ सरफेस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज -5.12 × 10⁻⁷ जूल पर केजी एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज 6.4 m/s², तो हमारा जो फार्मूला होता है स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, v इज इक्वल टू माइनस का i इंटू r होता है, ठीक, इससे r की वैल्यू आ जाएगी v
वी अपान माइनस का आई, ठीक, यानी आर की वैल्यू आ गई, वी हमारा दे रखा है माइनस का 5.12 × 10⁷, ठीक, अपान दे रखा है तो ये माइनस का साइन हो गया 6.4, ठीक, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये डिवाइड होकर के आया स्टूडेंट यहाँ से, तो इसको हमने डिवाइड किया 0.8 आया और इंटू 10⁷ आया। अगर हम इसको अरेंज कर दें तो ये आया हमारा 8000 किलोमीटर आ गया, ठीक। अब जो हमारी अर्थ की रेडियस दिया 6400, उसको इसमें से माइनस कर दो तो यच इज इक्वल टू हमारा हो गया स्मॉल आर माइनस आर ई, ठीक, और हमारे जो यच की वैल्यू आ गई यच इज इक्वल टू स्मॉल आर हमारा दिया 8000 माइनस आर ई हमारा है 6400, माइनस करने पर आ गया 1600 किलोमीटर, तो हमारा आ गया सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इन ए गैस टू वेव ऑफ वेवलेंथ 1.00 meter एंड 1.01 meter रेस्पेक्टिवली प्रोड्यूस 4 beats इन 1 second, देन द वेलासिटी ऑफ साउंड इन द गैस विल बी, तो जो हमारा फार्मूला होता है बीट्स का डेल्टा एन इज इक्वल टू n1 - n2, ठीक। यहाँ देखो हमारे n1 के लिए हमारा हो गया वी अपॉन लेमडा 1 माइनस वी अपॉन लेमडा 2, वी कॉमन ले लिया हमने, ध्यान से देखो स्टूडेंट, वी कॉमन ले लिया 1 upon lambda 1 माइनस 1 upon lambda 2, ठीक, वैल्यू रख दो तो डेल्टा एन हमारा दे रखा है 4 beats, तो ये हो गया 4, वी हमारा यहाँ पड़ा हुआ है, लेमडा इधर आ गया हमने एल हमारा आ गया 1 upon 1.00 माइनस 1 upon 1.01, ठीक, यानी यहाँ आ गया 4 = V, ब्रैकेट में आ गया एलसीएम 1.01, ठीक, और ऊपर आ गया 1.01 माइनस 1.00, ठीक, तो V की वैल्यू आ जाएगी 4 × 1.01 upon 0.01 = 404 meter per second आ जाएगा, ठीक, यानी सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ओके। द रिलेशन बिटवीन पॉइजन रेशियो सिग्मा एंड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा इज, तो देखो स्टूडेंट यंग मॉडुलस का जो फार्मूला होता है वाई इज इक्वल टू 3 bulk modulus 1 - 2 sigma यानी पॉइजन रेशियो, और बल्क मॉडुलस का एक फार्मूला होता है 2 eta, ईटा मीन्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी 1 + sigma, ये दो फार्मूले आप याद करिए और दोनों की इक्वल करिए, क्योंकि इधर हमारे ऑप्शन में कहीं वाई नहीं है तो वाई हटा दो, तो हम इसको ब्रैकेट ओपन करके राइट हैंड साइड को इक्वल कर ले रहे हैं, 3k - 6k sigma इज इक्वल टू 2 eta + 2 eta sigma, ठीक है। अब 2 eta को इधर कर दो तो 3k - 2 eta इज इक्वल टू 6k sigma + 2 eta sigma,
इधर इस साइड में सिग्मा कामन कर दो, दोनों में सिग्मा है ना, ये दोनों में कामन कर दो, तो ये हो जाएगा 6k + 2 ईटा, बाहर आ जाएगा सिग्मा, इधर है 3k - 2 ईटा। ठीक, इससे सिग्मा की वैल्यू आ गई, सिग्मा इज इक्वल टू 3k - 2 ईटा अपॉन 6k + 2 ईटा। ठीक, और ये ऑप्शन हमारा दूसरा आ रहा है स्टूडेंट, सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है दूसरा। ओके, ए ड्रॉप ऑफ इक्वल साइज इन एयर आर फॉलिंग विथ टर्मिनल स्पीड 5 सेंटीमीटर फॉर ईच वन, इफ ऑल द ड्रॉप कंबाइन टू बिकम्स 1 ड्रॉप द न्यू टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ न्यू ड्रॉप विल बी। देखो स्टूडेंट, तो पहले वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाइए, तो जो हमारा हुआ बिग ड्रॉप के लिए 4/3 πr³ इज इक्वल टू 8, स्मॉल ड्रॉप के लिए 4/3 πr³। यहाँ से हमारा आ गया कैपिटल r³ इज इक्वल टू 8 r³, यानी r की वैल्यू 2r आ गई। ठीक, टर्मिनल वेलोसिटी हमारी रेशियो हो जाएगा v1 v2, निकालते हैं v2/v1 इज इक्वल टू कैपिटल r² / r² इससे निकल आएगा, क्योंकि हमारे जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है r² होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसी से निकल गया तो ये हो गया 4 आ जाएगा। ठीक है, यानी v2 की वैल्यू आ जाएगी v2 = 4, अब v1 दे रखा है 5, तो 4 × 5 जाए हो जाएगा 20, यानी हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन 20 cm/s करेक्ट है। ठीक है, इफ ए चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 7i − 3j इंटू 10³ टेस्ला, ये जे आप पढ़िएगा इसको, ठीक, देन अटेन्स द एक्सेलरेशन ऑफ xi + 7j m/s². द वैल्यू ऑफ एक्स इज, देखो स्टूडेंट, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, और जो एक्सेलरेशन होता है वो फोर्स की डायरेक्शन में होता है, इसका मतलब एक्सेलरेशन और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होंगे, तो जो परपेंडिकुलर होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, यानी एक्सेलरेशन और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन हमारा दे रखा है 7i, ठीक, कैप और -3j कैप, ठीक, पावर को हम छोड़ रहे हैं क्योंकि पावर इधर बाहर, पावर में का नंबरिंग में केवल है। ठीक है, और इधर हो गया हमारा, इनके बीच डॉट प्रोडक्ट हुआ, ठीक, ये हुआ xi³ + 7j कैप। ठीक है, अब यहाँ देखो इसकी वैल्यू आनी चाहिए 0। ठीक है, अब 7x हो गया, ii में मल्टीप्लाई करते हैं jj में, तो 7x हो गया, ठीक, अब माइनस हो गया 3 × 7 = 21, ये आ गया 0, x की वैल्यू कितनी आ गई 21/7 आ गया, ये वैल्यू आ गई 3। ठीक है, और 3 हमारा सेकेंड ऑप्शन है, तो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है 3 मीटर। ओके स्टूडेंट, आप हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हम और उत्साहित होकर आपके लिए नए नए क्वेश्चन के वीडियो अपलोड करें। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।